ये मित्र मैं आपको मेरे कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपना स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक 30 सेकंड्स का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है एंड ये जो तीन फ्रेम्स हैं इससे मुझे एक चूज़ करना है थंबनेल के लिए, या फिर मैं यहाँ पे कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट में कस्टम थंबनेल वर्क नहीं करता। अगर आप कस्टम थंबनेल लगाते हो तो यूट्यूब वॉल में आपका वीडियो जब आएगा तब वहाँ पे शो होगा, या फिर आपका चैनल में कस्टम थंबनेल शो होगा, लेकिन शॉर्ट सेक्शन में कस्टम थंबनेल शो नहीं होता। तो हम कैसे कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये तीन फ्रेम ही क्यों यहाँ पे आया है। ये तीन फ्रेम इस वीडियो का सबसे क्लियरेस्ट तीन फ्रेम्स है, इसलिए ये तीनों चूज हुआ है। ये मेरा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो है, ये एक जेपीजी फोटो है, मैं इस फोटो को इस वीडियो का एज ए थंबनेल यूज करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली जो करना है, आपको वीडियो एडिटर ऑन करना है, देन आपको उस फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। देन उसको वीडियो का एंड में या फिर वीडियो के अंदर आप कहीं पे भी एक सेकंड के लिए, या फिर आप ज़्यादा, या आप दो तीन सेकंड भी रख सकते हैं। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि एक सेकंड आपको रखना है। मैं एक सेकंड के लिए इसको वीडियो का एंड में दे दिया है। आप इसको वीडियो का स्टार्टिंग में या फिर वीडियो का मिडिल में आप कहीं पर भी इसको दे सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो फोटो आप दे रहे हो कस्टम थंबनेल, आप कोई भी कस्टम थंबनेल बना सकते हैं। ये मेरे एक डाउनलोडेड फोटो है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप कोई भी कस्टम थंबनेल बना के आप वहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। आप देख सकते हो कि इसका डायमेंशन, वीडियो का जो डायमेंशन है, मतलब आपका वीडियो का जो रेजोल्यूशन होगा, देख सकते हो वीडियो का रेजोल्यूशन है 1080x1920। आपका जो ये वीडियो का रेजोल्यूशन है, आपका जो थंबनेल होगा उसका रेजोल्यूशन इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि मैं जो फोटो यहाँ पे चूज़ किया है उसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। अब जो कस्टम थंबनेल यहाँ पे बनाया है उसका अगर रेजोल्यूशन आपका वीडियो का रेजोल्यूशन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसका रेजोल्यूशन आप इजीली बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पे ओपन विथ पेंट कर देना है, देन आपको यहाँ पे रिसाइज ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना पिक्सल एडिट कर सकते हो। अगर आपका कम है तो आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो, वीडियो का रेजोल्यूशन से कुछ ज़्यादा कर देना है यहाँ पे, देना ओके करके सेव कर देना। अभी इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं न्यू वीडियो आया है जिसका साइज 30 सेकंड्स है, इसका साइज 29 सेकंड्स था। मैंने एक सेकंड के लिए मेरा थंबनेल ऐड कर दिया है। अभी मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो थंबनेल फोटो ऐड किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, पिछले वाला वीडियो में वो नहीं था,